देखो इस क्वेश्चन में हमको ना कंपेयर करना है दोनों साइड्स को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम -14 प्लस माइनस -4, ठीक है। अब देखो 12 यहाँ, अच्छा चलो इसको पहले कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ठीक है। 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि 14 बड़ा है उसके साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ पे आप ये है 12 माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है तो ये हो जाएगा -7, ठीक। अब इन दोनों में देखो 18 और 7 में से, अभी माइनस भूल जाओ, 18 और 7 में से कौन सा बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है। लेकिन जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो अब कौन सा बड़ा होगा, अब -7 बड़ा हो जाएगा, -18 छोटा हो जाएगा, क्लियर है। सो दिस विल बी योर आंसर। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। इधर है हमारे पास 11 माइनस -39, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस मतलब माइनस होगा, ठीक है। तो 39 माइनस 11 कितना हो जाएगा 28, साइन लगेगा नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 1, 3, 4, 5, 50। कौन सा बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर्स से, तो 50 इज ग्रेटर देन -28, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 7 माइनस माइनस 5, इधर है -5 माइनस -7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक। इसको देखो ये हो जाएगा 12, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, कौन सा बड़ा है, 12 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ट्वेंटी फाइव माइनस 7 ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 हो जाएगा, ये आपका 5, 6, 7, 8, 1, 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे भी 18 आएगा लेकिन साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, साइन लगेगा माइनस का। कौन सा बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर्स से, ठीक है।